सोनीपत जिले के गोहाना के बरोदा रोड पर देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जिंद के जुलाना से गोहाना आ रही हरियाणा रोडवेज की बस गांव खानपुर खुर्द स्थित रजबहा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर और कुछ को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जुलाना से बस आ रही थी गोहाना के लिए, एकदम से बस पलट गई। रोडवेज की? रोडवेज। कितने सवारी थे? कम से कम 20-25 सवारी। चोट लगी सभी को? चोट सभी को। क्या नाम आपका? प्रीति। आप कहाँ के रहने वाले? रिंडाना। ये गोहाना से जुलाने से बस आ रही थी गोहाना में एंट्री करने से थोड़ी पहले, मोर चौक से थोड़ी पहले। वहाँ क्या हुआ? बस एकदम से ब्रेक फेल हो गया बस के, और एकदम से बस को रोकने के चक्कर में एकदम से बस वाले ने नीचे खेत में डाल दी बस को, और 10 से 12 फुट का नीचे गड्ढा था खेतों में, जो खेत में जाके बस गिर गई। बस में मैक्सिमम होंगी 25 से 30 सवारी के लगभग थे। सभी घायल? हाँ, लगभग सभी को चोटें हैं, बस ज़्यादा सीरियस नहीं है कोई, एक दो को कह के बाकी चोटें सभी को। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, एक दो बच्चे भी थे, दो तीन। आपको कहाँ लगी? मेरे को पैरों पे लगी हुई है, और यहाँ कोहनियों पे, दोनों घुटनों पे, और यहाँ गर्दन। जानकारी के मुताबिक वीरवार देर शाम जिंद के जुलाना से रोडवेज की बस गोहाना के लिए चली थी। बस को जिंद के गांव लिजवाना निवासी सुरेंद्र चला रहे थे, साथ ही बुड्डा खेड़ा निवासी परिचालक कृष्ण उनके साथ थे। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। बस जब जुलाना से चलकर गोहाना के बरोदा रोड पर पहुंची तो खानपुर खुर्द के पास अचानक स्टीयरिंग में दिक्कत आने से चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और बस बेकाबू होकर रजबहा के पास जाकर पलट गई। गनीमत रही कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये जुलाना से गोहाना रही थी बस, जुलाना से चली थी 450 पर, और जैसे ही ये मोड़ा था नहीं इधर गड्डी से, वहाँ पर जैसे ही ब्रेक दिए तो स्टीयरिंग जाम होने के कारण नीचे उतर गई। सवारी थी 25। हमारे को जी बस स्टैंड पर सूचना मिली थी अभी ड्यूटी सेक्शन के द्वारा, कृष्ण जी ने फोन करा था, ये जुलाना से बस आई थी अभी गवाना, और रस्ते वाले यहाँ बरोदा से निकल गए तो नहर है, नहर के पास अचानक पलट गई है, स्टीयरिंग जाम होने की वजह से बता रही है गाड़ी पलटी है। तो क्या नीचे उतर गई? हाँ जी बिल्कुल, रोड से नीचे उतर गई, पेड़ा पेड़ा भी तोड़ के ना अंदर चली गई, किले में पड़ी है जी। इसमें कितने सवारी थी? इसमें जी सवारी भरी थी 50-55 सवारी थी। घायलों की माने तो रोडवेज बस के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने से कई यात्री बस में ही फंस गए थे। इससे बस में हड़कंप मच गया और कुछ यात्री चीख पुकार करने लगे, जिसके बाद राहगीरों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।